hello everyone welcome to our channel today we are going to discuss about the most important mcq for upsc prelims 2022 part 11 already we discussed about the part 1 to 10 now today we are going to discuss about the part 11 then let's start it then here today we are going to discuss about the 10 question with different topic or different subject now first topic or first subject is belong to the history question number one consider the following statement regarding basicica school of thought they believe in both soul and earth transgression they propounded the atom theory and applied it to explain the formation of objects. the basic tenets of basicica are to some extent common to both बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो हम लोग का ये बेसिक शिखा के बारे में है जो कि उनका जो जो अलग अलग है उसके बारे में दर्शाया गया है तो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर होगा हम लोग का ओके वन टू एंड थ्री हम लोग का सही आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं all the given statement are correct that is vaishya shikha the school of individual characteristic propounded the atomic theory atomic theory ke upar believe karte hain according to them atoms are internals and distinct from soul और उनके हिसाब से हम लोग का जो ये है soul है वो ये के ऊपर रहता है और जितना भी हम लोग का ये है चीज़ है यहाँ पे बना हुआ है हर एक चीज़ element से बना हुआ है और कोई भी difference नहीं है और सभी हम लोग का जो एटम और अलग अलग गैस से बना हुआ है और इनका फाउंडर जो है उल्लू का कनाडा है देन सोल अकॉर्डिंग टू बेसिक हाथ थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम एटम्स और इनके हिसाब से ये भी है कि सोल जो है एटम से एकदम से डिफरेंट है बट सोल यूज एटम्स एज एन इंस्ट्रूमेंट विच ऑल्सो अंडर गोज ट्रांसमिक्रेशन लेकिन उनका ये बिलीव है कि सोल ये करते हैं यूज एटम एज आन इंस्ट्रूमेंट एटम को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं सोल और ये ट्रांसमिशन होते रहता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाता है देयर बेसिक टेनन हैज सर्टेन सिमिलरिटी विथ बोथ जेनिज्म एंड बुद्धिज्म दैट द नेचर इज एटॉमिक देन बोलो का बेसिक जो ये रहता है डिपेंड करता है जेनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के ऊपर ही बेस करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर द फास्ट टाइम पीपल स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स एंड मैन ऑफ कॉटन एंड ओल इन इंडिया तो यहाँ पे हम लोग के बारे में दिया हुआ है कि uh, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्लोथ भी पहना करते थे बट एग्जैक्टली नहीं दिया है कि कॉटन और ओल का क्लोथ पहनते थे तो ये हम लोग का गलत ऑप्शन हो जाएगा द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिसफियर एंड इट वाज़ रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो वहाँ पे उस समय राइट टू लेफ्ट लिखते थे फिर नीचे से सेकेंड लाइन में लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ़्ट लिखते थे तो इस तरह से होता था तो राइट टू लेफ्ट ही नहीं होता था राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट होता था तो ये ऑप्शन भी हम लोग का इनक्रेक्ट हो जाएगा द फेमस sculpture ऑफ एंड डांसिंग गर्ल्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन was मेड using द lot wax टेक्निक तो ये सही है तो हम लोग का ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा डी ऑप्शन डी थ्री ओनली ओके इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे कि हम पहले बताया कि इसके बारे में एविडेंस है कि कपड़ा पहनते थे बट एग्जैक्टली कॉटन और ऊल का कपड़ा ये मेंशन नहीं है देन दूसरा जो ये करते थे उस समय लिखते थे जो भी वो लोग का फर्स्ट लाइन लिखते थे राइट टू लेफ्ट फिर सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, राइट लिख के जाते थे और महिजोदारों में जो डांसिंग गर्ल का ये मिला था तो ये हम लोग का सही हो जाता है थर्ड ऑप्शन ओनली ओके देन थर्ड क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर सेलिनिटी तो हम लोग का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है सेलिनिटी हम लोग का ये है वाटर का उसके ऊपर देखेंगे कौन सा सेलिनिटी ये में है तो uh, so, हम लोग का सी 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 होगा 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 फिर uh, no, death होगा first, red sea, फिर black होगा. देख लेते okay, okay, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग का सेलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन ओशन रेंज बिटवीन थर्टी थ्री परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट सेकेंड नंबर है रेड सी फिर हम लोग का ब्लैक सी आता है एवल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमोसफियर ऑफ दर्थ ओके देन हियर हम लोग का जो ये कर रहा है एटमोसफियर को ये करता है एवोल्यूशन ऑफ ए प्रेजेंट एटमोस्फियर दैट इज सोलर विन डीन एंड फोटोसिंथेसिस तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे वन टू थ्री ओके इसको थोड़ा सा देख लेते हैं दे आर थ्री स्टेज इन द इवल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमोसफियर फर्स्ट स्टेज दैट लॉस ऑफ प्राइमरिडियल एटमोसफेयर सेकेंड हॉट इंटेरियर ऑफ अर्थ

टू द इंडियन मेंउंसिल एंड सर्टेन अदर टू द ब्रिटिश मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी नहीं था देन नॉन ऑफ दाम लोग का बिकॉज यहाँ पे जो भी दिया है वो एकदम इन करेक्ट है ओके okay, नेक्स्ट देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन The 1919 Act relaxed the central control over the provinces by democrating and separating the central and provincial subject. The central and provincial legislatures were authorized to make law on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. तो इसके ऊपर है और ये के बारे में नहीं है जो हम लोग का ऑप्शन अलग अलग दिया था देन दिस स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज दया जो अलग अलग गवर्नेंस ये थे उसे दायर के कहा गया विच मीन्स डबल रोल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर टू द टर्म्स रिपब्लिक इन द पिम्बल प्रियम्बल में रिपब्लिक का ये में ये है सॉवरिंग पार्लियामेंट्री सेकुलर एंड फेडरल तो हम प्रियम्बल के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोग का रिपब्लिक के साथ में तो एक बार देख लेते हैं वन एंड थ्री बी करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल यहाँ पे देख लीजिए लीजिये सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो हम लोग का सोविंग के साथ में है, है तो ये है, रिपब्लिक है तो ये हम लोग का हो जाएगा तो इसको हम लोग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रेम बल को याद रखने से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ओके okay, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विद रेफरेंस टू जेंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओके देन इट इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग ए जेंडर प्रोस्पेक्टिव इन फॉर्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स देन इज ए मैंडेट टू हैव ए जेंडर बजटिंग सेल इन ऑल मिनिस्ट्री टू इंस्टिट्यूशनलाइज जेंडर बजटिंग थर्ड वन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी फॉर एजेंड बजट जेंडर बजटिंग इन इंडिया तो यह हम लोग का कौन सा है देख लेते हैं okay, one in two. that is the correct answer. okay, explanation dekh lete gender budgeting is a powerful tool for achieving gender mainstreaming so as to ensure that benefit of development reach women as a मच एज मैन तो हम लोग का ये जेंडर बजटिंग है जो ज़्यादातर वीमेन को मिलना चाहिए जो ये मैन के कंपेयर से देखें तो बेनिफिट जितना भी है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का जो मैन होते वो ज़्यादा ये रहते हैं बट वीमेन ज़्यादातर ये किया जाता है इसका वजह से ये दिया है इट इज नॉट आन अकाउंटिंग एक्सरसाइज बट आन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ कीपिंग ए जेंडर प्रोस्पेक्टिव इन पॉलिसी प्रोग्राम फार्मेशन इट इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू देन यहाँ पे इसके बारे में है विमेन एंड डेवलपमेंट इज द नोडल एजेंसी फॉर जेंडर बजटिंग इन इंडिया तो ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का ये वाला ऑप्शन क्या है हमेशा गलत दिया रहता है तो इसको ये करना है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो ये करते हैं वो ही इसे जेंडर uh, बजटिंग को भी ये करते हैं ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट एग्री डिमांड

एक्स एंड कंजप्सन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट देन गवर्नमेंट फंडिंग इसके बारे में डिटेल में है अगर आप लोग को चाहिए तो इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं ओके okay, कमेंट करके आप पीडीएफ मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नेशनल पार्क तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है नेशनल पार्क के बारे में कौन सा नेशनल पार्क देख लेते हैं इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड हार्बर द नॉर्थन मोस्ट लो लैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड द हैबिटेट चेंजेस विद इंक्रीजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट टू डोमेंटेंट फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड एट द हायर एलिवेजन टू अल्फाइन मीडो एंड पेरेनियल स्नो देन टू इट ईस्ट एंड साउथ ईस्ट लाई द पटकाई हिल्स रेंज एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार तो यह हम लोग का अरुणाचल का जो ये के बारे में बता रहे तो अरुणाचल में कौन सा नेशनल पार्क है नमदफाफा नेशनल पार्क है तो यह हम लोग का करेक्ट हो जाएगा दाची नेशनल पार्क ये हम लोग का इस साइड में नहीं है नॉर्थ ईस्ट साइड में ये है हमारा ये में नॉर्थ साइड में है फिर नोकरेक नेशनल पार्क है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में ही है बट ये हमारा मेघालय में पड़ता है फिर कांचन जो है सिक्किम में पड़ता है तो ये हमारा तीनों नहीं होगा बट ये नाम नेशनल पार्क से हो जाएगा क्योंकि ये जो हम लोग पढ़े हैं वो अरुणाचल के बारे में बात है तो ये अरुणाचल में है नमधाप्पा नेशनल पार्क ओके okay, तो देख लेते हैं इसका ये तो एक्सप्लेनेशन तो वहाँ पे डिटेल में हम देख ही चुके हैं तो वही है उसका ओके क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का दस कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडोप्टेड फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन जो हम लोग टू थाउजेंड फिफ्टीन के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए गए थे उसी को देख लेते हैं इट विल अप्लाई टू ऑल यू एन मेम्बर स्टेट एंड नॉट जस्ट दोज इज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड देन

एच डी जी कंसिस्ट ऑफ सेवनटीन गोल्स एंड वन सिक्सटी नाइन टारगेट है उनका देन इट कॉन्ट्रैक्ट टू एट गोल्स एंड एटीन टारगेट इन एम डी जी विच एक्सपायर इन टू थाउजेंड फिफ्टीन तो उसके हिसाब से एम डी जी के साथ में इसका कोई ये भी नहीं है ओके तो आप लोग इसका हम लोग का ये ख़त्म हो गया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा देन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ और दूसरा हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर का आ रहा है उसका भी चल रहा है हम लोग का आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हम लोग का आर्ट एंड कल्चर खत्म होते ही दूसरा सब्जेक्ट का और एक लेके आएंगे तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय